नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्लाज्मा टीवी जिसका मॉडल नंबर है PS43E470 43E470 मॉडल है इसका। और इसमें जो फॉल्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या फॉल्ट है। तो अभी मैंने पावर इसमें दे दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें से एक हल्का सा साउंड निकला जो सैमसंग में ऑन होने के बाद निकलता है। ये बत्ती जो है आपका ब्लिंक कर रहा है, यानी मदरबोर्ड जो है इसका ऑन है। और इसमें भी ये टिकन में भी आपका इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, ग्रीन वाला, ठीक है ना। तो ये देखिए ये चल रहा है, ये ऑन ऑफ हो रहा है, देखिए बुझ गया। और अभी जो है ये देखिए, मैं इसमें जो है पावर दिया है पुनः, और इसमें जो ये वोल्टेज है आपका VS वोल्ट, ये जो है लगभग 100-200 के आसपास गया था और ये फिर वापस होने लग रहा है। और इसी तरीके से ये VA वोल्टेज जो है आपका, ये VA वोल्टेज जो है यहाँ भी जो है ये नहीं आ रहा है, मतलब ये शट डाउन हो गया, ये प्रोटेक्शन में चला गया आपका, VA वोल्टेज जो है आपका नहीं बन रहा है। लेकिन बाकी जो है ये आपका ये इंडिकेटर वगैरह सब चल रहा है इसका, देखिए ये बंद भी हो गया अभी। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये बोर्ड जो है, ये बफर बोर्ड जो है इसका शॉर्ट है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट पार्ट ख़राब है मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो मैंने इसको खोल लिया है बोर्ड का आपका, इसमें से निकाल लिया है। अब इसमें जो है चेक किया मैंने इसको, तो इसमें क्या क्या ख़राब निकला है सो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है आपका, ये जो है आपका 10 एम्पियर का ये डायोड है जो कि ये शॉर्ट है। उसके बाद जो है ये 2 IGBT जो है आपका मॉस्फेट, ये आपका 4536 है। और इसके जगह पे आप इसका इक्विवेलेंट जो है आप लगा सकते हैं 30H01 30H1 30H2 ऐसा करके आप लगा सकते हैं, RJP 30H2 या 30H1 लगा सकते हैं, ये दोनों मॉस्फेट के जगह। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें जो है आपका एक यहाँ पे जो है 63 के थ्रू लगा हुआ है, ये भी आपका शॉर्ट है। और फिर इसके बाद जो है ये 10 एम्पीयर का जो मॉस्फेट है ये शॉर्ट है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये जो है आपका SMK 630 मॉस्फेट है, ये भी शॉर्ट है आपका। और ये जो है 5N 96N90 है करके, तो ये भी आपका शॉर्ट है। तो ये 6N90 जो है या 6N60 लगा सकते हैं, ये 630 के जगह पे भी आप 6N90 या 790 कोई भी मॉस्फेट आप लगा सकते हैं। तो ये है आपका, ये देखिए इसका तो नंबर तो पता नहीं चल पा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप ये लगा सकते हैं। ये है आपका 6N60 है, ये लगा हुआ आप लगा सकते हैं, 7N 10N90 तक लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा लगाएंगे तो उतना अच्छा रहेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा, 9N90 तक लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया है कि इसमें कौन सा इक्विवेलेंट आप लगाएंगे। FHD 4536 इसका नंबर है, RJP करके, तो RJP 30H2 लगा सकते हैं आप इसके जगह पे। तो मैंने इसको निकाल लिया है सारा आपका, इसमें से जो है आपका ये मॉस्फेट जो है आपका ये 63 के 2 है जो कि ख़राब हो चुका है, शॉर्ट है। ये आपका 4536 दो मॉस्फेट है जो आपका ख़राब हो चुका है। और ये जो है आपका वही 10 एम्पीयर का जो ये जो है आपका डायोड है SMK ऐसे करके बोलता है। और ये 2 मॉस्फेट है आपका, ये आप लगा सकते हैं 9N60, दोनों लगा सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इतना सारा कंपोनेंट पार्ट ख़राब था जिसके कारण जो है पिक्चर नहीं आ रही थी, इसमें पिक्चर नहीं आ रही थी, ऑडियो वगैरह सब ओके था लेकिन पिक्चर नहीं आ रही थी। तो ये सब कंपोनेंट पार्ट ख़राब था, इसको बारीकी से अब लगाना होगा।
मैंने इसको सारा मॉस्फेट वगैरह इंस्टॉल कर दिया, इस पर लगा दिया जैसे था वैसे। अब इसको पावर दे के देखता हूँ इसमें बना है या नहीं बना है। तो मैंने इसमें पावर दे दिया है और ये इसमें पावर आ गई है। इसको मैंने ऑन कर दिया है, आवाज़ आ गई इसमें। देखिए इसके अंदर से जो है ये ग्रेन्स आना शुरू हो गया, लेकिन कुछ महसूस हो रहा है कि दिक्कत है। इसमें क्या दिक्कत है मैं देखता हूँ नीचे जा कर के। ये तो लाली जैसा आ रहा है। इसमें जो है कलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम, झिकझिक आ रहा है। और ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जो है पूरा मतलब रेडिश टाइप ग्रीनिश टाइप का आ रहा है। इसको पूरा वाइट एकदम आना चाहिए था ग्रीन्स। तो इसमें कुछ फॉल्ट है, पिक्चर सही नहीं आ पाएगा कलर वगैरह। तो ये बूंदा बूंदी जैसे आएगा इसमें। ये देखिए कैसा आ रहा है, ये जो है झिकझिक आ रहा है। पिक्चर तो आ जाएगा लेकिन क्लियर नहीं आएगा, कलर जो नेचुरल होना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इसको भी ठीक करते हैं। ये प्रॉब्लम बनाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो टीवी नहीं चलेगा सही से। हाँ तो दोस्तों मैंने उस फॉल्ट को निकाल लिया है कि जिसके कारण जो है ग्रेन्स आ रहा था एक्स्ट्रा और झिकझिक आ रहा था। फाइनली जो है वो प्रॉब्लम जो है ये जो वाई बोर्ड है इसके कारण जो है, इसमें जो मॉस्फेट लगा हुआ 35/36 या 30/60 जो भी है, तो उसके अनुसार ये ख़राब या डैमेज होने के कारण, वीक होने के कारण इसके कारण प्रॉब्लम आता है उस तरह का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम इससे नहीं था, ये बिल्कुल आपका ओके है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपका जो है ये मॉस्फेट जो है यहाँ पे जो मैंने लगाया था, तो इसके वजह से जो है प्रॉब्लम था। तो इसमें जो है आपका ये RJP 63 के 2 जो है आपका देख रहे हैं, तो इसमें क्या है दिक्कत की, ये मॉस्फेट तो सही है लेकिन इसमें जो दिक्कत है कि ये जो है आपका कलेक्टर और ये जो इमीटर है, तो इसके और यहाँ से इंटरनल जो है इसके अंदर डायोड दे दिया है। मार्केट से मैंने लाया था तो इसके अंदर डायोड दे दिया है, जबकि जो ओरिजिनल RJP 63 के 2 जो रहेगा उसके अंदर जो है इंटरनल डायोड नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे चेक करने पे आपका कोई कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, लेकिन जो है एक तरफ से बता रहा है डायोड। तो इसके जगह पे हम जो है लगाएंगे दूसरे नंबर का मॉस्फेट जो कि है, इसका नंबर तो नहीं दिख रहा है, इसका नंबर है 30J127 है ये नंबर इस मॉस्फेट का। तो आप 63 के 2 जो है मॉस्फेट उसके जगह पे आप इसको लगा सकते हैं। ये इसका इक्विवेलेंट नंबर है 30J127 या फिर 30H1B या 30H2 भी लगा सकते हैं जो खराब में आता है वो, और एक SMD आता है वो तो इसकी जगह पे नहीं लगेगा, लेकिन इस तरह का जो रहेगा आपका टाइप तो आप लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद इसको जो है साफ कर देना है ब्रश से पेट्रोल डाल करके। उसके बाद इसमें जो है ये रेड पेस्ट जो है यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि बरसात के दिनों में जो है नमी से जो है इसमें जो है ये मैंने लगा दिया इसमें रेड पेस्ट। तो इसमें जो है मॉस्फेट ये जल्दी ख़राब नहीं होगा बरसात के दिनों में नमी वगैरह रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लगभग सभी जगह लगा दिया है। तो मैंने इसको सब फिट कर दिया है, अब इसमें पावर दिया मैंने। अब देखिए ये इंडिकेटर चल रहा है और आपका जो है ये चल पर रहा है टीवी। और ये देखिए अब इसमें वाइट ग्रेन्स आना शुरू हो गया है, अब ये बिल्कुल सही हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ जो है इसके अंदर से नीचे से, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वाइट हो गया, पहले लाली में जैसे आ रहा था अब ये पूरा वाइट हो गया है पूरा ग्रेन्स। देखिए ये पूरा वाइट ग्रेन्स आ रहा है, पहले लाल आ रहा था। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके हो गया है, अब किसी तरह का इसमें कोई समस्या नहीं है। इसको बनाने के लिए बहुत परेशानी होना पड़ा और बहुत तरह का इसमें जो है प्रॉब्लम निकला सेट में। अब मैं कुछ टेस्टिंग पॉइंट आपको कुछ बताता हूँ चेक करने के लिए शॉर्टकट में।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है आपका जो टेस्टिंग पॉइंट है, VS टेस्टिंग पॉइंट है, तो इसका जो वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 206 या 207, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए VS 209 वोल्टेज है, इसमें जो है 206 वोल्ट है, तो ये बिल्कुल सही है। अभी उसके बाद जो है ये VA है, ये जो VA वोल्टेज जो है ये है ना, तो ये VA वोल्टेज जो है लगभग 90 या 97 के आसपास है, और ये जो है आपका VS कैन वोल्ट जो है आपका माइनस में होता है, माइनस लगभग लगभग 185, तो ये माइनस 185 आप यहाँ भी देख सकते हैं, पैनल पे भी लिखा हुआ 185 VSC, हाँ VSC यानी VS कैन, तो ये 185 वोल्ट स्टील है यानी स्थिर है, और अंदर में जो देख सकते हैं कि ग्रेंस जो है झिकझिक कर रहा है, टिकोन पे लाइट जल रहा है सारा चीज़। तो ये सेट ओके हो गया है, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका डीपली वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा, कहाँ पे कैसे कैसे चेक करते हैं, कहाँ से कैसे इसमें फंक्शन काम करता है, सारा चीज़ जो है आपको मैं बताऊँगा। तो आप इसको, मैं इसको पैक करता हूँ, अब ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये चल रहा है, ये बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल ओके है, आप देख सकते हैं ये टेस्टिंग है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट क्लास आ रहा है इसका इमेज, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। फिर से इसका मॉडल नंबर आप देख लीजिए, आपका जो मॉडल नंबर है ये PS43E470 है, ये इसका पावर सप्लाई है, ये इसका पावर सप्लाई है, ये इसका एक्स बोर्ड हो गया आपका, एक्स आउट लिखा हुआ है, ये एक्स बोर्ड हो गया आपका, ये एक्स बोर्ड हो गया आपका, ऐसे ही सीक्रेट वीडियो टिप्स देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। ये जो IGBT है, इसमें जो तीनों पिन है, इसका जो नाम है वो गेट है, ये दिस इज ए गेट, दिस इज ए ड्रेन एंड दिस इज ए सोर्स, तो इसमें जो है चेक करने का जो प्रक्रिया है वो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करने पर आपका नहीं बताएगा, ना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चेक करने पे कंटिन्यूटी भी नहीं बताएगा, यानी किसी तरीके से इसमें जो है कंटिन्यूटी नहीं बताना चाहिए, अगर ये आपका MOSFET ओके रहेगा तो, और अगर शॉर्ट रहेगा तो आपको किसी तरीके से चेक करेंगे तो आपका भी बताएगा।